इस समय की खबर बहराइच के महसी से है। बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह ने बीजेपी युवा मोर्चा नगर अध्यक्ष अर्पित श्रीवास्तव के खिलाफ फिलहाल FIR दर्ज कराई है। ये FIR 8 अन्य लोगों के खिलाफ पूरा दर्ज हुआ है। आपको बताते कि बहराइच में जो दंगा हुआ था, इस पूरे मामले में फिलहाल अब नया मोड़ आ चुका है। इस नए मोड़ में आपको बता दें कि दंगा फैलाने, पथराव एवं जान से मारने जैसी धमकी जो है पूरी तरीके से जो गंभीर जो धाराओं में ये मुकदमा दर्ज हुआ है। इसको लेकर पुलिस ने छानबीन शुरू कर दी है। मामला पंजीकृत हो चुका है, जांच शुरू हो चुकी है। क्या नतीजा निकल के आता है ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन जिस तरीके से पूरे इस हादसे को अंजाम दिया गया, तमाम लोग इसको लेके परेशान हुए, उन सबको लेके फ़िलहाल इस पूरी जो कहानी में तमाम जो मोड़ आए उसमें अंत में ये फ़िलहाल एक नया मोड़ आया है। विधायक का आरोप है कि 13 तारीख को बहराइच हिंसा में राम गोपाल मिश्रा की हत्या के बाद से जो तमाम जो दंगे हुए, यानी कि जो तमाम आपने चीज़ें देखी होंगी, वीडियो में भी आपने देखी होंगी, हत्या के बाद, मिश्रा की हत्या के बाद मौके पर पहुंचने पर उन पर पथराव फायरिंग भी हुई। आपको बता देंगे सबको लेकर उन्होंने गंभीर आरोप लगाया है। अब पुलिस इस मामले को कैसे जांच करती है, कहां पे नतीजा जाता है, क्या मामला खुल के सामने आता है, फिलहाल इन सबको लेकर हलचल है। आपको बता दें कि उपचुनाव आने वाले हैं, ऐसे में ये मामला किस मोड़ पर जाकर ठहरता है ये देखने वाली बात भी ज़रूर होगी।